हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं, जिसके पास 10 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जो भी वीडियोस हम बनाते हैं पूरी नॉलेज के साथ, पूरी रिस्पांसिबिलिटी के साथ बनाते हैं, और आपके लिए वो वीडियोस इन्फॉर्मेशन के पर्पज से लेकर के आते हैं। सेल्फ मेडिकेशन न करना है न करने देना है, इसलिए हम कभी भी डोज डिस्कस नहीं करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आज के मेडिसिन रिव्यू में कि हम किस ड्रग के बारे में बात करेंगे। एक सिचुएशन है, अगर आपने कभी देखा हुआ होगा तो उस सिचुएशन में व्यक्ति थोड़ा सा फूलने लगता है, जो बॉडी का फ्लूइड है वो रिटेन होने लगता है, और उससे आपका जो थाइज है, पैर है, हाथ है, वो थोड़े मोटे मोटे लगने लगते हैं, जिसे हम लोग जनरल भाषा में सूजन कहते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में एडिमा कहते हैं। लेकिन ऐसा एक और सिचुएशन है जिसको बारे में आप शायद जानते होंगे, वो है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन और एडिमा दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों से दोनों का कंपेरिजन नहीं करना चाहिए। और आज की जो मेडिसिन है वह इन्फ्लामेशन के लिए नहीं, एडिमा के लिए काम आता है, जिसमें बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन होता है, बॉडी स्वेल होने लगती है। दूसरा, कभी कभी इसका यूज एंटीहाइपरटेंसिव यानी कि ब्लड प्रेशर के केस में भी करते हैं। इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल सिचुएशन और इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर फॉर द रेस्पेक्टिव पर्सन और पेशेंट ओनली। तो इसका यूज आप डॉक्टर के सलाह पे ही करिएगा, खुद से तो कोई भी दवाई यूज नहीं करना है, बशर्ते वो कोई च्यूएबल टेबलेट के फॉर्म में, जो चॉकलेट वगैरह होते हैं, स्ट्रेप्सिल्स वगैरह होते हैं, ओटीसी प्रोडक्ट है, उनको छोड़ करके उनका भी नहीं करना, बट कर सकते हैं अगर आप कंपेयर करें तो। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं, देखते हैं कि इसका यूज क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, और इंडिविजुअली उनके काम करने का तरीका क्या है। आज मेरे हाथ में जो टैबलेट है, इसका जो ब्रांड नेम है वह है डाइटोर प्लस 10, और इसको बनाने वाली कंपनी है सिप्ला। डाइटोर प्लस 10 है क्या? डाइटोर के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों बिलोंग करते हैं डायूरेटिक को, लेकिन दोनों की सब क्लासेस अलग अलग है। तो पहला वर्ड मैंने यूज किया डायूरेटिक। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द डायूरेटिक, आप हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी पर जाकर के सर्च कर सकते हैं कि डायूरेटिक बाय सॉल्यूशन फार्मेसी, पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा डिटेल से जानना चाहें तो। तो डायूरेटिक एक ऐसा ड्रग होता है जो यूरिन के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है, सोडियम और वाटर के रिटेंशन को कम करता है। तो सोडियम और वाटर के रिटेंशन को कम करेगा, दैट मींस ऑब्वियसली वो एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, जिससे आपकी बॉडी में जो फ्लूइड एक्युमुलेट हुआ है वो ड्रेन आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगी। अब चूंकि मैंने कहा कि इसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, दोनों बिलोंग करते हैं डायूरेटिक का, लेकिन उनकी सब क्लासेस अलग अलग है। जैसे आप स्टूडेंट होंगे फिफ्थ सेमेस्टर के, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो उनको अगर हम जेंडर के हिसाब से क्लासिफाई करें तो बॉयज अलग है और गर्ल्स अलग है, और जो दोनों बिलोंग करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर को। तो इस तरीके से क्लास जो है हो गया फिफ्थ सेमेस्टर, सब क्लास हो गया बॉयज या गर्ल्स। तो इसी तरीके से हमारे डाइटोर प्लस 10 के दो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास हैं, एक है टॉर्सेमाइड, दूसरा स्पायरोनोलैक्टोन, दोनों डायूरेटिक के एग्जांपल हैं। लेकिन आप सब क्लास की बात करो तो टॉर्सेमाइड बिलोंग करता है लूप डायूरेटिक को। इस लूप डायूरेटिक को हाई सीलिंग डायूरेटिक भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी काफी अधिक और काफी अच्छी होती है। दूसरा जो डायबिटिक है, यहां पर स्पायरोनोलैक्टोन लिखा हुआ है, ये भी डायबिटिक है, लेकिन इसकी जो सब क्लासेस है वह है आपका पोटेशियम स्पैरिंग डायबिटिक। इसका नाम इसका काम को दिखाता है। पोटेशियम स्पैरिंग डायबिटिक कहने का मतलब है एक ऐसा डायबिटिक जो पोटेशियम को स्पेयर के रूप में अपने पास बचा करके रखेगा, इसको यूरिन के साथ निकलने नहीं देगा। अब इन दोनों को जोड़ने का फंडा क्या है? अगर आप केवल पोटेशियम स्पैरिंग डायटिक यूज करेंगे तो इट विल नॉट गिव अ प्रॉपर रिजल्ट। लेकिन अगर आप पोटेशियम डायटिक की जगह सिंगल लूप डायटिक काम करेंगे तो वो आपको रिजल्ट तो देगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि पोटेशियम वगैरह निकल जाएगा तो इससे आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, लिथार्जी वीकनेस देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट तक देखने को मिल सकता है। तो अच्छा इफेक्ट मिले बट बुरे इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर ले, इसीलिए इसके साथ पोटेशियम स्पैरिंग डायटिक स्पायरोनोलैक्टोन को क्लब कर दिया गया है, जिससे एडवांटेज तो मिले और डिसएडवांटेज को मिनिमाइज किया जा सके, जीरो हो जाए ऐसा कभी कोई कहना नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता। कभी भी जीरो साइड इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेंगे, किसी के में कम, किसी के में ज्यादा, किसी के में शायद ना दिखे आज, वो हो सकता है, पर कोई भी ड्रग 100% सेफ कंसीडर नहीं किया जाता। चलिए अब मैं इनको काम करने के तरीके के बारे में बता दूं। पहला जो हमारा ड्रग था टॉर्सेमाइड, वो बिलोंग करता है आपके लूप डायटिक को। तो जो डायबिटिक है वो क्या करते हैं, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इनहिबिट करते हैं। वैसे बहुत डिटेल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि ये थ्योरी वीडियो नहीं है, केवल ड्रग के बारे में जानकारी के लिए जरूरी है चीजें। तो वो जो आपके लूप डायबिटिक है वो उस कंडीशन में लूप और फैलने पर वाटर और जो सॉल्ट है सोडियम है इसके रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं, और इसके रीअब्सॉर्प्शन के इनहिबिट होने से वो आपके ल्यूमेन ही रहता है और अल्टीमेटली जाकर के यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। जो पोटेशियम स्पैरिंग डायबिटिक है उसका काम यह है कि इन जनरल जो सोडियम के साथ पोटेशियम निकल रहा था, निकालना था हमको सोडियम, निकल रहा था सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी, तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को
पोटेशियम को बचाना चाहिए। एक कहावत सुनी है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो गेहूं था हमारा सोडियम लेकिन घुन पिस गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम, तो हमको पोटेशियम को बचाना है। एक और एग्जांपल ले लो, अगर क्लास में कुछ बच्चे हैं और उन कुछ बच्चों में एक बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है, हल्ला कर, डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक टीचर को किसको निकालना चाहिए, उस एक बच्चे को या पूरे के पूरे क्लास को? आपका जवाब होगा ऑब्वियसली कि उसी एक बच्चे को। लेकिन अगर मैं सबको निकाल दूं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हुआ, क्योंकि जो डिस्टर्ब कर रहा था वो निकल गया, लेकिन बचा क्या मेरे पास? नुकसान भी तो होगा कि बच्चे भी नहीं बचे, इसीलिए छांट करके उस बच्चे को निकालना चाहिए। तो पोटेशियम स्पाइरिंग डायलेटिक भी कुछ इसी तरीके से काम करता है कि जिसको आपको निकालना है सोडियम उसको निकलेगा, पोटेशियम को अपने पास प्रिजर्व करके रखेगा। यह है आपके पोटेशियम डायलेटिक के काम करने के तरीके। कंसंट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, अभी आपको बताता हूं। जो टॉर्सेमाइड यूज किया गया अनकोटेड टेबलेट के अंदर, तो टॉर्सेमाइड है वो इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका कंसंट्रेशन है 10 mg। दूसरा है आपका स्पिरोनोलैक्टोन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली इसका जो कंसंट्रेशन है वो है 50 mg। चूंकि ये एक शेड्यूल डिग्री का ड्रग है जिसमें आप लाल कलर का बॉक्स देख सकते हो, तो उसको आपको किसी डॉक्टर के सलाह पे ही लेना है। ऐसा नहीं कि दुकान गए ले लिया खा लिया, ऐसी गलती आपको किसी भी मेडिसिन के साथ नहीं करनी है। और हर बार मैं ये कहता हूं, सेल्फ मेडिकेशन आपको प्रॉब्लम में डालेगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन टेम्परेली भले शायद मिल सकता है लेकिन आपको आगे नुकसान होगा, क्योंकि ड्रग का जो डोज है वो हर एक व्यक्ति के लिए कई कंडीशन में बदल सकता है। सीबीआरटी ज्यादा कम हो सकती है तो ड्रग का डोज भी बदलेगा, ड्रग के साथ कोई दूसरा ड्रग आप ले रहे हैं इंटरेक्शन अगर चांसेस है तो ड्रग का डोज भी बदलेगा या तो खुद ही ड्रग बदल जाएगा। तो ऐसे कई सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, अनजाने में किसी भी ऐसे व्यक्ति के वीडियोस देखकर जिसका फार्मेसी से कोई लेना देना नहीं है, जनरल पब्लिक है, पीछे पीछे पढ़ दिया और आपको वीडियो बना दिया और आपने उसकी वीडियो को देख करके ड्रग लेना शुरू कर दिया, वो गलत है। केवल जानकारी लेनी है तो आप फ्री हैं कहीं से भी जानकारी लेने के लिए। फॉलो तो आपको मेरे चैनल को देख करके भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कभी ये नहीं बोलता कि आपको कोई भी मेडिसिन खुद से लेनी है। जानकारी के लिए यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमेशा जो जानकारी होती है हमारी वो ऑथेंटिसिटी के साथ है। क्रॉस चेक करना है, हमारा मेन चैनल है सोशल फार्मेसी, इंडिया टॉप 1 यूट्यूब चैनल इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। तो भाई इतना ज्यादा फॉलोअर्स है तो हम पे तो भरोसा कर ही सकते हैं, और ऑथेंटिसिटी तो मैंने आपको बताया भी है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ नॉलेज भी बूस्ट हो रहा होगा और एक पॉजिटिव एनर्जी आप स्प्रेड करेंगे, सबको ये बताएंगे कि सेल्फ मेडिकेशन कभी नहीं करना चाहिए। गूगल या यूट्यूब कैन नॉट रिप्लेस द डॉक्टर, यू हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर कैन इजीली डायग्नोस योर प्रॉब्लम, क्या कारण है वो पता चल पाएगा। तो आज के वीडियो के लिए फिर से इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।